हेलो दोस्तों, टुडेज़ फूड में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल बेहद न्यू स्टाइल से दम आलू की सब्ज़ी। जब हमें कोई सब्ज़ी ना समझ में आती है तो यार ये दम आलू की सब्ज़ी तो बहुत मन को भाती है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस तरीके की और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ज़्यादा तामझाम के बिना मैंने ये दम आलू की सब्ज़ी बनाई है ग्रेवी के साथ, जो बहुत टेस्टी है। इसे चावल, पूड़ी, पराठे किसी के साथ भी खाएंगे ना, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी। तो इसे बनाना बहुत आसान है। मैंने यहाँ पे लिए हैं आलू मीडियम साइज़ के और इन्हें अच्छे से छील लिया है और फिर फोक की मदद से अच्छे से इनमें मैं ये देखिए इस तरह होल कर दे रही हूँ, इस तरीके से अच्छे से। देखिए इस तरीके से जैसे मैं होल कर रही हूँ ना, बिल्कुल आप भी ऐसे ही कर दीजिएगा। फिर मैंने लिया है एक पतीले में पानी और उसमें डाला एक चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और फिर इन आलूओं को उसी में डाल दिया है अच्छे से, ताकि हमारे आलू अच्छे से बॉयल हो जाएं और नमक हल्दी उनमें अंदर तक हो जाए। और जब हम तक हमें ये आलू को अच्छे से बॉयल करना है, तब तक कि ये 50% हमारे और आलू एकदम पक ना जाए। ये देखिए मेरे आलू बिल्कुल 50% पक गए हैं, तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और अपने आलूओं को मैं छन्नी में छानकर रख दूंगी। और फिर मैंने लिया है यहाँ पे टमाटर। यहाँ पे मैंने दो बड़े टमाटरों का यूज़ किया है, क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हैं तो इसलिए टमाटरों का यूज़ मैंने कम किया है और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। और फिर यहाँ पे लिया है मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, सबका भी एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। आप चाहे तो अदरक भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किया है। और फिर मैंने लिया है एक कढ़ाई, उसमें डाला सरसों का ऑयल। जब ऑयल हमारा गर्म हो गया तो मैंने अपने आलूओं को, जिन्हें मैंने छन्नी में छान कर रख दिया था ताकि उनका पानी सब निकल जाए, और फिर उन्हें अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। देखिए यहाँ पर मैंने अपने सारे आलूओं को डाल दिया है अच्छे से। इन्हें चलाते हुए मैं खूब अच्छे से फ्राई करूंगी, जब तक कि हमारे आलू अच्छे से एकदम लाल गोल्डन नहीं हो जाएंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आराम आराम से फ्राई कर रही हूँ। बिल्कुल आपको ऐसे ही फ्राई करना है आलू को। ये बहुत ही मस्त सब्जी बनती है, एक बार आप ज़रूर इसे बनाइएगा। और ये देखिए आलू हमारे अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इन्हें अच्छे से निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत ही मस्त हो गए हैं मेरे आलू और मैं इन्हें अच्छे से निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से, और इन्हें हमें किचन पेपर में निकालना है ताकि इनका ऑयल अच्छे से सूख जाए। और फिर मैंने ली है एक कटोरी और इसमें लिया है मैंने एक कप के आसपास दही और इसमें डाला एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच मैंने लिया है सब्जी मसाला, और फिर मैंने आधा चम्मच के आसपास ही लिया है धनिया पाउडर। और फिर इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करूंगी, ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो ऐड करिएगा, नहीं तो मत ऐड करिएगा। वैसे फ्लेवर अच्छा आता है इसलिए मैंने ऐड करा है। और इन सबको खूब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और ये हमारा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है दही में सारे मसाले। और फिर मैंने ली एक कढ़ाई और उसमें डाला सरसों का तेल, क्योंकि सब्ज़ी तो भाई सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। और फिर उसमें डाला मैंने जीरा। जब हमारा जीरा अच्छे से क्रैकल होने लगेगा तब उसमें मैंने डाला दो हरी मिर्च और जो प्याज, लहसुन, अदरक का हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बनाया था वो डाल दिया। और उसे डालकर मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक कि उसका एक्स्ट्रा पानी ना निकल जाए। और ये देखिए ये हमारा अच्छे से भुन गया, तो इसमें मैंने डाला है टमाटर जो मैंने पीस कर रखा था। ये देखिए, आप चाहे तो टमाटर की बॉयल करके भी पीस सकते हैं, पर मैंने इसे कच्चा ही पीस लिया है। और ये देखिए इसे अच्छे से बढ़िया सा भून लेंगे। और आप चाहे तो इसे ढककर भी भून लें, मैंने इसे ढक दिया है थोड़ी देर के लिए ताकि टमाटर हमारे अच्छे से पक जाए। ये देखिए ये मसाला मेरा अच्छे से पक गया है, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, ये सब अच्छे से पक। तो अब मैंने इसमें डाला दही का वो जो मैंने बना कर रखा था मसाला दही के अंदर, और उसे मैं डालकर अच्छे से पका लूँगी। और ये देखिए ये हमारा अच्छे से पक गया है, बिल्कुल बढ़िया सा मस्त लग रहा है। ये देखिए दही वाला मसाला डालने के बाद इसका तो टेक्सचर ही बिल्कुल बदल गया है। और ये देखिए अच्छा सा बॉयल आने लगा है इसमें, इसका मतलब ये है इसमें मसाला पक रहा है। इसे मैंने थोड़ी देर ढक दिया ताकि ये अच्छे से दही हमारा भी पक जाए।
और ये देखिए हमारा दही बिल्कुल पक गया है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा चला लूंगी, ये देखिए इस तरीके से। और फिर मैंने इसमें अपने आलूओं को अच्छे से ऐड कर दिया है। ये देखिए मैंने आलू को बीच से थोड़ा सा कट भी कर दिया है, जो हमारे आलू बॉयल थे इन्हें मैंने थोड़ा कट कर दिया है। और ये देखिए मसाला बिल्कुल लिपटा हुआ है। अगर आप ड्राई खाना चाहते हैं तो आपके आलू इसी वक्त पक गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर इसमें ऐड किया मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हींग। अब दही और टमाटर के टेक्सचर को बैलेंस करने के लिए खटास को मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीनी ऐड की है, आधा चम्मच से भी कम, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको सब्जी ड्राई रखनी है तो बस आपकी सब्जी इस स्टेज पर बिल्कुल तैयार हो गई है। लेकिन मुझे थोड़ी सी इसमें ग्रेवी भी बन करनी थी, तो मैंने इसमें ऐड किया है आधे गिलास के आसपास पानी, और क्योंकि ग्रेवी के बिना तो चावल के साथ मज़ा ही नहीं आता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे पानी डाल दिया है थोड़ा सा, और अब मैं इसे अच्छे से ढक दूंगी जब तक ये खूब अच्छे से बॉयल ना आने लगेगा इसमें। ये देखिए इसमें से खूब अच्छा बॉयल आने लगा, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से आलू हमारे 50% बॉयल हुए थे और 50% मैंने इसे तलने में पक गए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी, हरा धनिया, और ये देखिए मेरी जो दम आलू की सब्जी है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। और बस इसे आप चावल, रोटी और पूड़ी पराठे किसी के भी साथ एंजॉय करेंगे ना, तो ये बहुत ही मस्त बनकर तैयार हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके बाय।